मित्रों, एडवर्टाइजिंग सभी प्रकार के विज्ञापन के लिए हमसे संपर्क करें। वर्धमान भवन, पलंदी चौक, दमोह। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। स्थान परिवर्तन, क्लिनिक अब नए पते पर पहुंच गया है। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। हमारा नया पता, खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दमोह। देश के स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाने वाली वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती जिले में धूमधाम से मनाई गई। जटाशंकर के पास स्थित रानी अवंतीबाई चौराहे पर जुटे लोगों ने रानी अवंतीबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको याद किया। रानी अवंतीबाई लोधी ने स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों से लोहा लेकर देश को आज़ाद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हर वर्ष लोग उन्हें याद करके उनके बलिदान को नमन करते हैं। वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी प्रतिमा स्थल पर जहां लोधी समाज के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे, वहीं शहर के गणमान्य नागरिकों ने भी पहुंचकर रानी अवंतीबाई लोधी के चरणों में अपनी पुष्पांजलि अर्पित की। आयोजन में सांसद प्रतिनिधि नरेंद्र बजाज, वरिष्ठ साहित्यकार नरेंद्र दुबे, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी, लोधी समाज के जिलाध्यक्ष भाव सिंह लोधी सहित बड़ी संख्या में लोधी समाज और अन्य लोग मौजूद रहे। शहीदों की मजारों पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। अमर वीरांगना रानी अवंतीबाई जी ने देश के लिए जो बलिदान दिया वो अमिट है, अमर है। उसी की परिणति है कि हम श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हर साल यहाँ उपस्थित होते हैं। रानी का बलिदान आने वाली कई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का दायक बनेगा। उनके श्री चरणों में मैं अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और नई पीढ़ी से यह आह्वान करता हूँ कि रानी की वीर गाथा को वो गहरी आत्मसात करें। इस देश के बलिदान को, इस देश के लिए जो बलिदान उन्होंने दिया है वो युगों युगों तक अमर रहे। जय रानी अवंतीबाई। देखिए, महापुरुषों को याद करने के लिए उनकी जयंती ही मनाई जाती है। हमारी वीरांगना अवंतीबाई का जन्म 16 अगस्त 1931 को सिवनी जिले के मनकेणी ग्राम में हुआ था और उनका बलिदान दिवस हम 20 मार्च को मनाते हैं। तो साल में 2 कार्यक्रम होते हैं, एक जयंती का कार्यक्रम, एक बलिदान दिवस का कार्यक्रम। इस अवसर पर आज जो है 16 अगस्त को हम उनकी जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं और इससे हमारे समाज को, हमारी नारी जगत का महत्व मिलता है और देश प्रेम की भावना बढ़ती है। इसी उद्देश्य को लेकर के हम लोग जयंती मनाते हैं। धन्यवाद। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में आहुति देने वाली रानी अवंतीबाई लोधी को हम सब पूरे देश भर में आज बड़ी हर्ष और उल्लास के साथ उनका जन्म दिवस मना रहे हैं। रानी अवंतीबाई ने जिस प्रकार से अंग्रेजों से लोहा लेते हुए और एक शौर्य का प्रतीक हम सबके समक्ष स्थापित किया है, उस शौर्य के प्रतीक को आगे बढ़ाते हुए हम सभी भारतवासी उन पर गौरवान्वित महसूस करते हैं। और रानी अवंतीबाई ने उस समय एक छत्राणी होने का जो हम सबके सामने उदाहरण रखा है, निश्चित ही उनके कदमों पर चलते हुए हम अपने देश को उज्जवल भविष्य बनाने के लिए सभी युवा साथियों से आह्वान करते हैं कि ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ हम इनके जीवन से कुछ सीखते हुए और आगे बढ़ने की प्रेरणा लेने का काम करें। शिवाजी जी के चरणों में शत शत नमन करता हूँ। एक ऐसी छत्राणी वीरांगना हुई है जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अहम भूमिका निभाई है। हम उस दौर में थे जब भारत देश गुलामी में परतंत्र था और कोई
एक अलग जगाने के लिए भी तैयार न था। ऐसे मौकों पर वीरांगना छत्राणी अवंतीबाई जब मैदान में आई और उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई शुरू की, आज निश्चित रूप से हम सब देशवासी गौरवान्वित हैं। और मैं तो खासकर इसलिए भी गौरवान्वित हूँ, मैं उस परिवार से हूँ, मैं हमारे पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, मैं उसकी अहमियत जानता हूँ, किन परिस्थितियों से गुजर कर उन्होंने ये आज़ादी हासिल की है। मैं उनके बलिदान दिवस पर पुनः सत सत नमन करते हुए उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आज वीरांगना रानी अवंतीबाई की जयंती का आयोजन किया गया है। 1857 की क्रांति की अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई का आज जन्मदिन है। रानी अवंतीबाई स्मृति समिति द्वारा यह आयोजन किया गया है, जिसमें नगर के गणमान्य नागरिक, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों के सदस्यों ने आकर यहाँ वीरांगना रानी अवंतीबाई का पुष्पांजलि अर्पित की है, माल्यार्पण।